DIY को कंप्लीट करने में मुझे टोटल खर्चा है सिर्फ 170 रुपीज़। वीडियो के एंड में DIY में यूज़ किया गया हर एक चीज़ का प्राइस भी मैंने मेंशन कर दिया है। और इसे आप इजीली घर पर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसे बनाने में मैंने कोई भी हेवी टूल्स का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ दो टूल्स चाहिए, पहला कुछ इस टाइप का ब्लेड एंड दूसरा एक स्क्रू ड्राइवर, बस। तो चलिए फिर ऑल लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का DIY। तो सबसे पहले बनाएंगे लैंप का लोअर पोर्शन। इसे अभी सैंडपेपर से थोड़ा रब कर लेने से इसका लुक कुछ ऐसा आ जाता है। लैंप का लोअर पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अभी लैंप का मिडिल पोर्शन बनाएंगे। अभी लैंप का लोअर पोर्शन और मिडिल पोर्शन को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रू का। लैंप में शाइन लाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ शाइनर का। अभी लैंप में बल्ब होल्डर लगाएंगे और इसका वायर हाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बोथ साइड टेप का। मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है, इसलिए अभी इसे ग्लू से फिक्स कर लेंगे। तो अभी बारी है लैंप का अपर पोर्शन यानी लैंप शेड का। यहाँ पर आप एक ही मेजरमेंट का वुडन स्टिक से ही इस लैंप शेड को बना सकते हो, लेकिन मेरे पास रिक्वायर्ड वुडन स्टिक्स अवेलेबल ना होने के कारण मैं दो डिफरेंट मेजरमेंट का वुडन स्टिक्स का यूज किया है।
इस बल्ब होल्डर और इस फिलामेंट बल्ब को मैंने कुछ दिन पहले एक DIY के लिए परचेस किया था। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस चैनल पे अभी एक लैम्प DIY सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प्स का DIY करके दिखाया है बहुत ही लो बजट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल पे जाके एक बार देख सकते हो। और अगर ये DIY आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।